हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट हीरो होंडा स्प्लेंडर। ओनली स्प्लेंडर ही नहीं, स्प्लेंडर प्लस है ये। 2000 ओनली 2000 मॉडल है। तो आज इसके बारे में बात करेंगे कि आज कितने 23 साल बाद भी इसकी कंडीशन कैसी है और क्या इंजन का काम हुआ है, न्यू है इसका इंजन, अब कैसा है, अब चालू हालत में है या नहीं, अब किस रेट में मिलेगी, कितनी चल गई, ऑल डिटेल्स अबाउट दिस बाइक आज हम देंगे। आज सबसे पहले इसकी कंडीशन दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले छोटे ना तो ये देखिए, बिल्कुल ये ओरिजिनल, इसमें सारी चीज़ें ओरिजिनल उस टाइम की है। बस ये हेड यूनिट है, ये चेंज होती रहती है और लाइट चेंज होती रहती है। इसमें उस टाइम ये सीधी लाइट आती थी और नंबर प्लेट इसमें HSR पे नहीं लगा रखी है, लगा रखी है। और इसके जो किलोमीटर्स है वो ड्रिवन है, इसमें इंजन का काम होने के बाद 600 किलोमीटर चल चुकी है। और जिस टाइम इसका 2 लाख से ऊपर चल चुकी है मोटरसाइकिल। और इंजन की कंडीशन की अगर बात करें तो इसका एक बार इंजन का काम हुआ है ज़िंदगी में, इतना बढ़िया इंजन का काम हुआ है, इतना बढ़िया इसको चलाने में मज़ा आता है। ये देख सकते हैं स्टार्ट हो गई, आवाज़ देख सकते हैं आप, कितनी स्मूथ आवाज़ है, कितनी अच्छी आवाज़ लग रही है। पटाखे ही फोड़ रही थी, मतलब इंजन का काम कराने के बाद बढ़िया हो चुकी है, इसकी माइलेज बढ़ चुकी है, इसको चलाने में मज़ा आने लग गया है। तो अगर हम बात करें तो इस मोटरसाइकिल की चाबी देख सकते हैं आप, कितनी अच्छी चाबी है, ऐसे लग जाती है। तो अगर हम बात करें नई वाली बाइक से, पुरानी वाली बाइक में कौन से में बढ़िया इंजन आता है, तो बढ़िया इंजन है वो इस बाइक के अंदर आता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। 8 बजे खेल लो, हाँ ये इंडिकेटर चेंज हुआ है, इसके अंदर ही इंडिकेटर चेंज होते रहते हैं, गिरते रहते हैं, लेकिन इसके ये और पार्ट्स हैं वो चेंज नहीं हुए हैं आज तक। और इंजन में सबसे देखो, अब आते हैं सीरियस बात पे, इंजन का जो काम हुआ है इसके अंदर, प्लग स्पार्क प्लग वगैरह और ये यूनिट और अंदर की क्रैंक, मतलब ओवरऑल इसके अंदर इंजन के काम के अंदर 13,000 रुपये खर्च हुए हैं। अगर आप सोचें तो 13,000 रुपये मोटरसाइकिल भी आ सकती है, लेकिन उसकी कंडीशन किसी को वो नहीं पता। अगर इसकी आज की रेट में वैल्यू की बात करें इस बाइक की सेकंड हैंड मार्केट में, 2000 मॉडल होने के बावजूद इसकी अगर अपन रेट करें तो 10,000 से लेकर 12,000 तक इसकी रेट है, लेकिन 13,000 का तो इसके इंजन के अंदर काम कराती है। लेकिन अब चलने में बढ़िया हो गई है और इसके जो कागज़ वगैरह हैं वो रीन्यू करा रखे हैं, तो इसकी सीट में भी ले जा सकते हैं। बस इसके अंदर HSR पे नंबर प्लेट और लगा दी जाए, लेकिन यहाँ पर तो रोक नहीं है HSR पे के लिए भी, अभी ओनली कांच के लिए और हेलमेट के लिए रोकते हैं। और अगर आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दी जाए तो, अगर इन मोटरसाइकिलों में सबसे पहले दिक्कत आती है कार्बोरेटर, इसके अंदर कचरा जम जाता है, तो इसको आप साफ़ कर सकते हैं, जिससे स्टार्ट करने में दिक्कत नहीं होगी। स्टार्ट नहीं हो तो इसको साफ़ कर सकते हैं आप। और इसमें उस टाइम बरसात में या सर्दियों में दिक्कत होती तो उस टाइम आप चौक से स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें ये भी आता था इस टाइम। और अगर एस्टिमेटेड माइलेज की बात करें तो 50 से लेकर 55 का माइलेज दे रही है। ये था आज की वीडियो में, उस टाइम ये पड़ी थी 44,000 की पड़ी थी और आज 23 साल बाद ही मतलब काम दे रही है, तो पैसे इसके तो फुल वसूल हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें।